पानीपत में पुलिस प्रशासन और जिले के वकील एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं, जहां पानीपत पुलिस प्रशासन के कर्मचारी द्वारा एडवोकेट पिता पुत्र के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देना व वर्दी फाड़ने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है, तो दूसरी तरफ एडवोकेट पिता पुत्र ने एसपी पूजा वशिष्ठ व अन्य कई कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट व झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के आरोप लगाए हैं, जिसके विरोध में शनिवार को वकीलों ने बार एसोसिएशन में बैठक की और बैठक में वर्क सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद सभी वकील जिले के कप्तान शशांक कुमार से मिलने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खराब ने कहा कि जब तक झूठा पर्चा रद्द नहीं किया जाता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वर्क सस्पेंड जारी रहेगा। हमारे एक वरिष्ठ साथी श्री वेदपाल कादान जी, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन जोशीवा गांव के रहने वाले हैं, अपने खेत में मोटर लगवा करके अपने निवास स्थान पानीपत आ रहे थे, तो रास्ते में पुलिस पार्टी पूजा वशिष्ठ एएसपी खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी रखवा करके उनके बेटे से पूछा कि भाई मास्क आप नहीं पहने। उन बेटे ने कह दिया कि मैडम मास्क तो आप भी नहीं पहन रहे। इसी बात पे कह के मैडम को गुस्सा आ गया और उन्होंने साथी पुलिस कर्मियों को कह के उसके साथ मारपीट की और बदतमीजी की। जब उनके फादर बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की और उनके खिलाफ़ एक झूठा केस दर्ज करवा दिया और सारी रात थाने में रखा, जबकि घर वाले को कोई सूचना नहीं कि भाई आमने वाले वो थे। ये सारी वो थी और इसलिए बार में फैसला गया, जब तक ये पर्चा कैंसिल नहीं होगा वकील हड़ताल पर रहेंगे, कोई काम नहीं। से मिले क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आप अप्लीकेशन दो, मैं इसकी निष्पक्ष जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, अभी हाल में ये दूसरा मामला है, पहले एक बार पहले भी तहसील कर में ये मामला हुआ था बार बार, उसके बाद अब इस बार क्या आप क्या एक्शन लेंगे? समझौता करेंगे या कोई इस पर कार्रवाई करवाएंगे? हम तो कार्रवाई करवाएंगे, इसमें जब तक क्या था पिछली बार अगर हमारे साथ जाति हुए हैं, उन्होंने जाति के लिए उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन पर कार्रवाई हो। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज? जो भी है तो नाम वो अभी अभी बताएंगे, वो आइए जो अरे वो बताएंगे, अभी हम कादन साहब आए हैं, पेश करें, जमानत करवा दो उसके बाद। सर क्या सर मामला ये? देखिए, रात को नाइट डोमिनेशन थी, तो ये रात की घटना है। कुछ वकील साथी, एक बेटा और बाप घूम रहे थे, तो रात का देर रात का समय था, तो कुछ पुलिस के साथ खास नहीं उनकी हुई है, तो उसमें FIR तो दर्ज कर रखी है। बाकी अभी इसमें वकील लोग आए थे, प्रधान वगैरह जो आए थे, SP साहब से मिले थे, तो जांच के आदेश दिए हैं कि दोबारा से उसमें गहराई से जांच करें, जिसका कुछ कसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।